इंडिया यूएस रिलेशंस एंड इंडिया रशिया रिलेशंस। सो सबसे पहले तो इंडिया यूएस रिलेशंस पे फोकस करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हमको कवर करने हैं यहाँ पर। एंड विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट एक्सपर्ट ओपिनियंस एट द सेम टाइम। देखिए जो बेसिक्स रहेगा इंडिया यूएस रिलेशन का, अल्ट्राई की एज मच एज पॉसिबल मैं यहाँ पर डिस्कस कर पाऊँ, लेकिन जो बेसिक रहेगा ज्यादा डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाले हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के बेसिक क्लासेस में। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर एक्सपर्ट ओपिनियन पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। सो वी विल स्टार्ट विद इंडिया यूएस रिलेशन। नाउ इंडिया यूएस रिलेशन में देखिए, वैसे तो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है अभी यूएसए के साथ में, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में भी जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा आ जाता है इंडिया यूएस रिलेशंस में, दैट इज डिफेंस पार्टनरशिप। तो डिफेंस पार्टनरशिप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, एंड डिफेंस में भी कुछ हमने यूएसए के साथ में एग्रीमेंट साइन किए हैं, वो सभी एग्रीमेंट्स देखेंगे। बाकी 2018 में यूएसए ने अभी एक पॉलिसी अपनी स्टार्ट की थी, काट्सा, ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, बाकी जितने एग्रीमेंट्स अभी तक हमने साइन किए हैं यूएसए के साथ में वो देखेंगे। हाय चन्मय, गुड आफ्टरनून, एंड इंडिया यूएस रिलेशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन विद। इंडिया यूएस रिलेशंस, देखिए इंडिया यूएस रिलेशन से रिलेटेड देर इज डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर का क्या कहना है, इनका कहना है कि हिस्ट्री वाइज अगर हम देखें इंडिया और यूएस के रिलेशंस को, तो यूएसए ने काफी एम्बिवेलेंट अप्रोच अब फॉलो की है टू द ग्रोथ ऑफ इंडियाज पावर। एक साइड पे तो हम देखते हैं कि जो इंडियन की स्टेबिलिटी है उसको काफी वैल्यू करते हैं, इंडियंस की स्टेबिलिटी को, एंड दे प्रमोट दोज एस्पेक्ट्स जो कि लार्जली उसके इंटरेस्ट में है, इंडिया को फायदा करता है। तो हम देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में यूएस हैज बिन मोर जेनरस टूवर्ड्स इंडिया। डेवलपमेंट प्रोग्राम की जब भी बात करते हैं तो काफी हमारे जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं इम्प्रूव हो चुके हैं। देर वॉज सीरियस चैलेंजेस अर्लियर 1962 में, शुरू से हमारे जो रिलेशंस थे इंडिया के साथ में सही नहीं थे, धीरे धीरे करके वो रिलेशंस इम्प्रूव हुए हैं। एंड 1962 में हम जो अमेरिका की पॉलिसी होगी उसको देख के अगर एनालाइज किया जाए तो इंडिया और यूएस का जो फ्यूचर था बहुत ही एंक्शियस था, लेकिन आज देखते हैं हम तो काफी न्यूट्रलाइज हो गया है। आज के टाइम पे पाकिस्तान को लेकर के भी जो यूएसए की पॉलिसी है वो इंडिया के फेवर में चल रही है, इंडिया की लाइंस पे ही यूएसए की रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ चल रही है। तो ये जो पॉलिसी चेंज होनी शुरू हुई थी ये कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के बाद, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 1999 में, तो यानी 1999 के बाद ही यूएस एंड इंडिया की इंगेजमेंट रियलिटी में शुरू हुई। इससे पहले 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ था तो नेहरू के अकॉर्डिंग, नेहरू बिकॉज ही फॉलोड एंटी अमेरिकनिज्म पॉलिसी, एंटी अमेरिकनिज्म फॉलो कर रहे थे, तो ये अमेरिका के साथ में ज्यादा नहीं रहेंगे, मतलब अपनी अलाइनमेंट नहीं शो करेंगे, रादर वी वेंट न्यूट्रल। कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स थी तो दो आपको देखेंगे पावर ब्लॉक्स होंगे मेजर, यूएसए एंड यूएसएसआर, आपस में भिड़ रहे होंगे वो। तो कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स के चलते हमें देखने को मिलता है कि इंडिया का जो स्टैंड रहेगा वो नॉन अलाइन मूवमेंट का स्टैंड रहेगा। तो उस टाइम पे भी हमारी इतनी एंगेजमेंट नहीं हो पाई। 1990 के यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद थोड़ी बहुत हमारी शुरू होगी एंगेजमेंट इनके साथ में, एंड 1999 के बाद ये पॉलिसी शिफ्ट आएगा कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के बाद में। यूएसए के साथ जो हमारी पॉलिसी है
वो चेंज होनी शुरू होगी। तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे मोमेंटम होगा इंक्रीज, आगे आने वाली जो एडमिनिस्ट्रेशंस होंगी फर्दर एंगेज करना शुरू करेंगे। और बहुत सारे फैक्टर्स भी थे। फैक्टर्स में ये आता है कि सबसे पहले तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, तो इनकी इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप ग्रो कर रही थी। साथ ही साथ न्यू जियो पॉलिटिक्स राइज हो रही थी, जैसे कि चाइना राइज हो रहा था। तो चाइना के हिसाब से ये मानते हैं कि इंडिया इज दी कंट्री जो चाइना को बेसिकली चैलेंज कर सकती है, ठीक है, एशिया में कंटेन कर सकती है चाइना को। तो उस कंटेनमेंट के हिसाब से भी अगर हम देखें तो ये पॉलिसी फॉलो की गई। सो दिस पॉलिसी वॉज बींग फॉरवर्ड लेटर ऑन एंड इंडिया के साथ में यूएसए के रिलेशंस बढ़िया हो गए। इसी के साथ साथ हमारे जो यूएसए के साथ रिलेशन है, कहीं ना कहीं उसमें एक कॉमनैलिटी इंटरेस्ट आता है टेररिज्म को लेकर। टेररिज्म को लेकर के भी इंडिया और इनका स्टांस है। तो यानी तीन एरियाज में इंडिया एंड यूएसए की एंगेजमेंट है वो बढ़ रही है। ये तीन एरियाज कौन कौन से मैंने आपको बताए? देयर आर थ्री एरियाज जिनके चलते 1999 यानी कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के बाद हमारी एंगेजमेंट शुरू होगी। सबसे पहला इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी, सेकेंड इज राइज ऑफ चाइना के चलते, एंड थर्ड इज टेररिज्म के चलते। क्योंकि यूएसए भी सेम तरीके से टेररिज्म जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था, दैट विल बी विजिबल। दिस इज व्हाट वी सी। इंडिया तो काफी टाइम से टेररिज्म को झेल ही रहा था, लेकिन कोई भी कंट्री उसको फिर सीरियसली नहीं लेती थी। लेकिन जब यूएसए के साथ हुआ तो उसके बाद से यहाँ से शुरू हुआ। और इसके अलावा एक और बिग फैक्टर है, वो है डायस्पोरा। डायस्पोरा तो ये सभी एंगल्स हैं एंड इसमें हम देखते हैं कि इसी के बीच में अब हमारी शुरू होगी 2008 में हम साइन करेंगे न्यूक्लियर डील यूएसए के साथ। न्यूक्लियर डील साइन करेंगे तो न्यूक्लियर डील बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड साथ ही साथ डिफेंस कोऑपरेशन रहेगी। डिफेंस कोऑपरेशन इंडिया और यूएसए के अभी डिफेंस कोऑपरेशन है। यूएसए एम कर रहा है कि देखिए डिफेंस में अभी तक हमारा जो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आता है डिफेंस का, वो आता है रशिया से। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट इम्पोर्टर इन दैट सेंस। इंडिया के जो मेजर इम्पोर्ट्स आते हैं रशिया से आते हैं डिफेंस के, और यूएसए इस मार्केट को टैप करना चाहता है इंडिया की। एंड यूएसए बेसिकली वॉन्ट्स कि रशिया को वो रिप्लेस कर सके इस चीज में। तो एक तो डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ रही है। सो क्लियरली एक इंडिया जिसके साथ में इकोनॉमिक रिलेशनशिप, सीरियस मिलिट्री टाइज हैं अब, एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कन्वर्जेंस है यूएसए का चाइना को लेकर के, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। दूसरा डायस्पोरा कनेक्टिविटी है। दिस हैज टू अप्रोच द यूएस वेरी डिफरेंटली। सो वी सी दैट कि हम ऑटो पायलट पे कंटिन्यू नहीं कर सकते कि जैसा पहले चलता आ रहा है वैसे ही चलते रहेंगे। हमको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। अगर हम एक कंट्री से मान लीजिए ज्यादातर अपना डिफरेंस डिस्टेंस रहते हैं तो ये भी सही नहीं है इंडिया के इंडिपेंडेंट पॉलिसी के लिए, इंडिया के कॉन्फिडेंट पावर के लिए। रादर हमारे को एक क्लियर आई रखना पड़ेगा अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेकर के। अगर हमारा नेशनल इंटरेस्ट हमको एनकरेज करता है कि हमें यूएसए के साथ में काम करना है, दैट वेन एवर वी रिक्वायर इट, तो हमें करना चाहिए वेन एवर इट इज नेसेसरी। तो उस हिसाब से यूएसए की जो एंगेजमेंट है इंडिया के साथ में, काफी पॉलिसी चेंज हुई और हमारी एंगेजमेंट काफी फर्दर एक्टिव हुई। और हमारी अब आज के टाइम पे पहले के मुकाबले अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ है। एंड आने वाले टाइम में अभी भी बहुत स्कोप है, ठीक है, आने वाले टाइम में भी ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। लेकिन इसी में ये तो डॉक्टर एस जयशंकर इसको हाईलाइट करते हैं, यानी कहीं ना कहीं हमें डॉक्टर एस जयशंकर के व्यू से पता चलता है कि शुरू से हमारी पॉलिसी ऐसी नहीं थी
शुरू से हमारे यूएसए के साथ में एंगेजमेंट ऐसी नहीं थी हमारी बात में शुरू। इसके बाद आते हैं हमारे दूसरे एक्सपर्ट शिव शंकर मेनन। शिव शंकर मेनन का क्या कहना था? शिव शंकर मेनन का कहना था साफ साफ, इन्होंने अपनी बुक लिखी है चॉइसेस। चॉइसेस जो बुक है उसका सब टाइटल है इनसाइड द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इनसाइड द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। और उसमें हमको पता चलेगा कि इनसाइड द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी में शिवशंकर मेनन का कहना है कि देयर इज अ कन्विक्शन। कन्विक्शन ये है कि इंडिया और यूएस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे नेशनल इंटरेस्ट को तो सर्व करेगी, साथ ही साथ जो इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है अभी चाइना के साथ में उसको भी बैलेंस करने में कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। क्योंकि ये बात तो क्लियर है कि चाइना की राइस हो रही है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि देर इज अ क्रिएटिव टेंशन बिटवीन चाइना एंड यूएस एंड इंडिया एंड चाइना। तो इंडिया को क्लियरली यूएसए की टेक्नोलॉजी चाहिए, इंडिया नीड मार्केट्स, इंडिया नीड्स टू सपोर्ट टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ। इंडिया को एक स्टेबल पीसफुल एनवायरमेंट एशिया में बनाने की जरूरत है, क्योंकि इसी के थ्रू हमारी कंट्री ग्रो कर पाएगी। तो यूएसए देयरफॉर फाइंड्स अ स्ट्रॉन्गर एंड अ मोर एक्टिव इंडिया यूजफुल। अगर इंडिया भी एक्टिव रहेगा तो यूएसए को भी फायदा है उसके स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस में। वो भी चाहता है चाइना को कंटेन करना एशिया में, एंड इंडिया बट इज एन ऑकवर्ड पार्टनर, क्योंकि इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉलो करता है। इंडिया ऐसा नहीं है कि यूएसए ने जो डिक्टेट किया हमने वो फॉलो कर लिया। वी परस्यू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और उसके हिसाब से अगर देखें तो इंडियाज प्रेजेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज सो डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूएस। हमारे जो प्रेजेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, जिस हिसाब से हम डेवलप कर रहे हैं, वो यूएस से काफ़ी डिफरेंट है, जिसकी वजह से इंडिया की जो इकोनॉमिक डिमांड्स हैं वो कहीं ना कहीं यूएसए के प्रेफरेंसेस पे स्ट्रेन पुट करती हैं। तो बेसिकली वन थिंग जो कि आपको अपने ध्यान में रखनी चाहिए वाइल स्टार्टिंग इंडिया इज दैट इंडिया फॉलोज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज गुड, कहीं ना कहीं थोड़ा डिसबैलेंस ऑकवर्डनेस इसकी वजह से आ जाती है इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की वजह से। आज के टाइम पे इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स हैं दे आर द विक्टिम्स ऑफ द सिविल न्यूक्लियर इनिशिएटिव सक्सेस। सिविल न्यूक्लियर इनिशिएटिव के चलते जो लेवल ऑफ एम्बिशन था रिलेशनशिप में, इट वेंट सो हाई कि दोनों साइड की एक्सपेक्टेशंस ही बहुत ज़्यादा बढ़ गई, एंड वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इंडिया की जो रिलेशनशिप है यूएसए के साथ में पहले से बहुत इम्प्रूव हुई है, पहले से बहुत बेटर है, अभी भी एक्सपैंड हो रही है। लेकिन इसके बाद कोई नेक्स्ट बिग थिंग क्या होनी चाहिए? जैसे सिविल न्यूक्लियर इनिशिएटिव हुआ था, इसके बाद और कैसे इसको फर्दर बढ़ाया जाए उसके बारे में बात की जा रही है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आ जाती है हमारी डिफेंस टाइज। तो मेजर जो इंडिया यूएस के रिलेशंस का हाईलाइट रहता है वो रहता है डिफेंस पर्सपेक्टिव से। डिफेंस टाइज, इंडिया यूएस डिफेंस टाइज, दिस इज द मेजर हाईलाइट। इसमें दो चीजें हैं,
एक है डिफेंस फ्रेमवर्क पैक्ट। देखिए आपको दिखता है कि पिछले 15 सालों में इंडिया और यूएसए ने डिफेंस कोऑपरेशन में काफी काम किया है। इनफैक्ट यूएसए अब एमर्ज हो रहा है इंडिया का टॉप आर्म सप्लायर के फॉर्म में। इंडिया अब यूएसए के साथ में ज्यादा मिलिट्री एक्सरसाइजेस करती है, इंक्लूडिंग मालाबार एक्सरसाइज, इनके साथ ज्यादा करती है, मोर देन एनी अदर कंट्री। तो ये सब डिफेंस, हमारे जो रिलेशनशिप है कैसे शुरू हुई थी, इट स्टार्टेड इन 1995, 1995 में स्टार्ट हुई थी ये डिफेंस रिलेशनशिप। उस टाइम पे डिफेंस पॉलिसी ग्रुप के फॉर्म में शुरू हुई थी, डिफेंस पॉलिसी ग्रुप के फॉर्म में। डिफेंस पॉलिसी ग्रुप में हम देखेंगे ये एक डायलॉग मैकेनिज्म था दो कंट्रीज के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन करने का। दिस वाज द इंस्टीट्यूशन, यहाँ से शुरुआत हुई थी। एंड अगले 10 साल बाद 2005 में इसी डिफेंस पॉलिसी ग्रुप के लाइन पे डिफेंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन किया जाएगा, डिफेंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट। डिफेंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट डिफेंस ट्रेड पे ज्यादा काम करने पे फोकस किया इसने, कि एक तो डिफेंस ट्रेड बढ़ाया जाएगा दोनों साइड में, साथ ही साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस बढ़ाई जाएंगी इंडिया और यूएसए के बीच में। मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, मैरीटाइम सिक्योरिटी में कोऑपरेशन बढ़ाया जाएगा, कोलैबोरेशन बढ़ाया जाएगा, दोनों कोलैबोरेट करेंगे मैरीटाइम सिक्योरिटी में। एंड इसके अलावा काउंटर पायरेसी ऑपरेशंस में भी काम करेंगे। ये सभी एरियाज इसमें हाईलाइट किए गए, पायरेसी, ये सभी इसमें हाईलाइट किया गया। फिर हम देखते हैं कि आगे जा करके एक और इनिशिएटिव लिया जाएगा 2012 में। दैट इनिशिएटिव वाज DTTI इनिशिएटिव। DTTI इनिशिएटिव कौन सा था? DTTI इनिशिएटिव कोई ट्रीटी या लॉ नहीं थी, ये एक टाइप की डिफेंस कोऑपरेशन थी जो इंडियन कंपनीज को फैसिलिटेट करेंगे। यानी इसमें जो यूएस पार्टनर्स होंगे इंडियन कंपनीज को फैसिलिटेट करेंगे, उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, बेसिकली साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, डिफेंस को प्रोडक्शन किया जाएगा जिसमें इंडिया भी डिफेंस के जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो मैन्युफैक्चर कर पाएगा। तो यानी यूएसए इसमें टेक्नोलॉजी और गाइडेंस प्रोवाइड करेगा इंडिया को रिगार्डिंग कि मॉडर्न वेपन सिस्टम कैसे बनाया जा सकता है, कैसे बिल्ड किया जा सकता है। तो इट विल वर्क इन मॉडर्न वेपन सिस्टम कैटेगरी, इसमें काम करेगा। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इसमें को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन कंसिडर की गई, को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन, तो इसको हाईलाइट कर सकते हो आप, को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन। DTTI की फुल फॉर्म क्या थी? डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव। लेट मी राइट दैट, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव वॉज DTTI। इसमें को डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया और ये कहीं ना कहीं विल बी ऑन लाइंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदीज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ये मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव होगा हमारे प्रधानमंत्री का, उसकी लाइंस पे होगा DTTI। आगे हम देखते हैं कि हर 10 साल बाद कुछ ना कुछ ये जो फ्रेमवर्क होता है ये रिवाइज होता है। तो
तो पहले 1995 में हुआ था, फिर 2005 में हुआ था, अब आगे होगा 2015 में। 2015 में यही जो डिफेंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट था, अगले 10 सालों के लिए रिन्यू किया गया। और इसमें चार की पाथ फाइंडर प्रोजेक्ट पे काम करने की बात बोली गई कि अगले 10 सालों में इंडिया एंड यूएसए इन चार पाथ फाइंडर प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। ये प्रोजेक्ट्स कौन कौन से थे? इसमें बात की गई कि सबसे पहले तो डीटीटीआई में इंडिया एंड यूएसए हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट के लिए हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट, विच इज द C-130J एयरक्राफ्ट, इसमें इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करेंगे और कुछ मॉड्यूल्स इसमें फर्दर एनहांस करेंगे। दूसरा था कि मोबाइल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड पावर सोर्सेस लेकर के आएंगे इसमें, इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे। मोबाइल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड हाइब्रिड पावर सोर्सेस, इसके अलावा और दूसरा होगा जिसमें केमिकल वॉरफेयर प्रोटेक्शन गियर सोल्जर्स के लिए बनाए जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई केमिकल वॉर होती है जिसमें केमिकल्स यूज किए जा सकते हैं, हवा में छोड़े जा सकते हैं, या बायोलॉजिकल वॉरफेयर छोड़े जा सकते हैं, उससे रिलेटेड इन चार प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। ये डिफेंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट में हाईलाइट किया गया। और हम देखेंगे आगे जाकर के कि आज के टाइम पे इंडिया इज अमंग द 8 कंट्रीज वेर यूएसए के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड। यूएसए के डिफेंस एक्सपोर्ट्स अब रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इंडिया में विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन हम एक्सपोर्ट करवा सकते हैं, मतलब इंपोर्ट कर सकते हैं। और हम देखेंगे कि 2016 में, फाइनली 2016 में इंडिया को रिकॉग्निशन दिया जाएगा एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर। इंडिया विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएसए एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर, मेजर डिफेंस पार्टनर है। और अभी रिसेंटली ही लास्ट ईयर STA-1 स्टेटस दिया गया है। तो STA-1 स्टेटस कौन सा है, इसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। व्हाट इज दिस STA-1 स्टेटस? STA-1 स्टेटस होता है स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन स्टेटस, स्ट्रेटेजिक स्टेट ऑथराइजेशन स्टेटस। इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे कि ये स्टेटस में क्या था। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, दिस इज ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड ऑथराइजेशन। इसके अलावा हमारे डिफेंस पार्टनरशिप में हम देखते हैं कि हम यूएसए के साथ में बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइजेस इसमें आ जाती है, सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हमारी नेवल एक्सरसाइज है जिसमें जापान भी है, मालाबार एक्सरसाइजेस। जापान है इसका पार्ट, प्लस इंडिया है एंड यूएसए, ये है मालाबार एक्सरसाइजेस। ये 2007 का ही एडिशन है, पहले बायलेटरल एक्सरसाइज होती थी, ठीक है, अब यहाँ पर ट्राइलेटरल है। ये मालाबार एक्सरसाइजेस, इट्स अ ट्राइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। देन इसके अलावा इंडिया रिमपैक जो एक्सरसाइज है, रिमपैक, रिम ऑफ पैसिफिक, रिमपैक एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट करता है जो हवाई में होती है, रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज। इसके अलावा अलास्का में एयरफोर्स की रेड फ्लैग एक्सरसाइज भी होती है। रेड फ्लैग जो एक्सरसाइज है वो एयरफोर्स की है, मालाबार नेवल है, रिमपैक नेवल है, ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है जो हमारी यूएसए के साथ में अलास्का में कंसिडर
ये कंडक्ट की जाती है। इसके अलावा हमारी यूएसए के साथ में आर्मी एक्सरसाइज भी है। आर्मी एक्सरसाइज हम करते हैं किस नाम से? युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास नाम से। तो ये सभी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं हमारी इनके साथ में। अच्छा, इसके अलावा हमने कुछ फाउंडेशनल पैक्ट्स भी साइन किए हुए हैं यूएसए के साथ में। ठीक है, कुछ फाउंडेशनल पैक्ट्स हैं, ये पैक्ट्स भी देख लेते हैं। दीज पैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछे जा सकते हैं आपसे। तो बेसिकली देर आर फोर फाउंडेशनल पैक्ट्स जो यूएसए के साथ में साइन करने होते हैं। इसमें कौन कौन से पैक्ट्स आ जाएंगे? इन पैक्ट्स में सबसे पहले आएगा हमारा, देखिए, जो यूएसए चाहता है कि इंडिया के साथ में 2002 से चाह रहा है यूएसए कि ये चार पैक्ट साइन किए जाएं। जो ऑलरेडी साइन कर चुके हैं वो भी बताऊंगी, और जो साइन करना बाकी है वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहले आता है हमारा एंड यूजर वेरिफिकेशन अग्रीमेंट, एंड यूजर वेरिफिकेशन अग्रीमेंट पैक्ट। दिस वॉज द फर्स्ट वन, लेट मी राइट इट। सबसे पहला पैक्ट है ये पैक्ट हम ऑलरेडी यू नो यूएसए के साथ में साइन कर चुके हैं। देन फिर आता है जो रिसेंटली साइन किया है, लिमोआ। इसके बाद आता है कॉमकासा, एंड जो करना बाकी है, दिस इज पेंडिंग ऑल्दो, बेका। ठीक है, सो लेट मी राइट, दिस इज पेंडिंग, ये पेंडिंग है अभी, ये साइन नहीं किया है हमने। तो सबसे पहले ये तो जो कॉमकासा वाला है, ये अभी लास्ट ईयर ही जून में 2018 के पास में साइन किया गया है। ठीक है, ये चीज भी बतानी चाहिए। दूसरी है लिमोआ, लिमोआ बात करते हैं, लिमोआ का क्या मतलब है? देखिए, लिमोआ की जगह पे पहले एसएलएसी था। एलएसी मतलब लॉजिस्टिकल सपोर्ट एग्रीमेंट। लॉजिस्टिकल सपोर्ट एग्रीमेंट में क्या था? अब इसका बस नाम चेंज कर दिया है, एलएसए की जगह पे इसको लिमोआ बोला जाता है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, दैट इज लिमोआ। इसमें क्या होता है कि आप एक दूसरे की कंट्री के लॉजिस्टिक सपोर्ट्स को एक्सचेंज कर सकते हो, सप्लाईज और सर्विसेज की फायदा उठा सकते हो अपनी डिफेंस फोर्सेस के लिए। जैसे इंडिया ने अभी तक ऐसा एग्रीमेंट किसी भी और कंट्री के साथ साइन नहीं किया था, क्योंकि इंडिया को काफी इसको लेकर के डाउट्स थे कि इसके चलते एक टाइप का इनफॉर्मल अलायंस हो जाएगा हमारा किसी कंट्री के साथ में, और इंडिया अलायंस चाहती नहीं थी ऐसा, क्योंकि ऐसे अलायंस के चलते पॉलिटिकल एनवायरनमेंट थोड़ा इनस्टेबल हो जाता है, दैट्स व्हाई। तो होता क्या था पहले कि कोई भी शिप अगर किसी कंट्री से, मान लीजिए हमारे पोर्ट पे या हमारे एयरबेस पे आती थी, हमारे पोर्ट पे या कोई भी शिप आती थी या कोई भी एयरक्राफ्ट आया, तो उसको पार्क करने से पहले या उसको डॉक करने से पहले, आने से पहले बहुत ही लंबा प्रोसेस फॉलो किया जाता था, जिसमें क्लियरेंसेस मांगे जाते थे। जैसे यूएसए की कोई शिप है जिसको इंडिया में आके डॉक करना है किसी भी रीजन की वजह से, जैसे उस शिप को मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम आ गई है उसमें, ठीक है, टेक्निकल कोई डिफिकल्टी है तो उसमें प्रोसेसिंग करनी है या ऐसा कुछ होना है, तो उसके लिए डॉकिंग के लिए रिक्वेस्ट कर रही है वो, तो उसको रिक्वेस्ट करने के लिए बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस था क्लियरेंस का। पहले आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से क्लियर लोगे, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी क्लियर करोगे, फिर दूसरी एजेंसी से भी क्लियरेंस होगा, तब जाकर के होता था। लेकिन लिमोआ के साइन करने के बाद में अब ये सीधा, मतलब एक ही साइन करो और हो गया, ऐसे टाइप का हो गया। इसमें इस प्रोसीजर सिंपल है कि अगर मान लीजिए किसी कंट्री को आना है और जैसे रिफ्यूल कराना है, उनका फ्यूल खत्म हो गया, या रिपेयर करवानी है, या फूड स्टोर्स की सप्लाई खत्म हो गई है उनकी, तो वो डॉकिंग के लिए मांगते थे तो बहुत क्लियरेंसेस चाहिए होते थे उसमें। तो अब क्या है, लिमोआ के चलते देखिए इसमें ज्यादा फायदा किसका हुआ है? इंडिया का। यूएसए को तो चलो एक्सेस मिल ही जाएगा, लेकिन यूएसए का ऑल ओवर द वर्ल्ड इस तरीके के बेसिस हैं यूएसए के, तो सबसे ज्यादा फायदा है इंडिया का, क्योंकि इंडिया के बेसिस नहीं है, तो हम
इस अग्रीमेंट को साइन करके यूएसए के ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी बेसिस हैं वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक सिचुएशन में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट की जा सकती हैं, या मान लीजिए डिजास्टर रिलीफ के लिए इंटरवेंशन हो, या फिर कोई भी और सिचुएशन हो जो दोनों कंट्रीज मानती हो कि हाँ इस सिचुएशन में हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, इस सिचुएशन में आप डॉक कर सकते हैं, री सप्लाई कर सकते हैं और अपना रिपेयर कर सकते हैं, कोई भी रिफ्यूल कर सकते हैं। अब क्या होगा, पहले हर एक सिचुएशन में आपको क्लियरेंस लेना पड़ता था, अब क्योंकि लिमोवा आपने साइन किया है तो ऑटोमेटिकली ये सारे सिचुएशन में अप्लाई हो जाएगा। अब बस डिस्क्रिशनरी पावर्स की जरूरत है, बस एक बार वो मिल गई तो परमिशन ग्रांट हो जाएगी। लेकिन इसमें साथ ही साथ ये भी प्रोविजन है, केस टू केस प्रोविजन भी है। जैसे कि मान लीजिए इन्होंने रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूज किस सिचुएशन में करेंगे, हाइपोथेटिकल सिचुएशन मानते हैं। मान लीजिए यूएस और किसी और कंट्री, लेट से ईरान के बीच में वॉर हो रही है और ईरान के साथ में हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं, तो इसकी वजह से अगर हम यूएसए की शिप को हम अलाउ करेंगे तो ये तो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो गई। तो इसीलिए ये स्पेसिफिकली इस एग्रीमेंट में मेंशन किया गया है कि इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगी सामने वाली पार्टी में कि उसको जॉइंट एक्टिविटी कैरी आउट करनी है। कोई बेस एस्टैब्लिश नहीं कर रहा है यहाँ पर यूएसए, लेकिन अगर अलाउ कर रहे हो तो उसके लिए जो आपको क्लियरेंसेस चाहिए, वो मल्टीपल क्लियरेंसेस पाने की जरूरत नहीं है। तो मैं एक और बार इसकी फुल फॉर्म लिख देती हूँ, प्लीज राइट इट इफ यू वांट टू मेक अ फ्लो चार्ट जहां पर भी आप बना रहे हैं। लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट। ऑफ अग्रीमेंट तो ये फायदा है हमें लिमोआ का। अब आगे देखते हैं कॉमकासा। कॉमकासा को पहले सिसमोआ बोला जाता था, सिसमोआ। अब इसके इसका नाम मॉडिफाई कर दिया है, सिसमोआ की जगह पे कॉमकासा आ गया है, कॉमकासा आ गया है। अब तो लेट्स टॉक अबाउट नाउ कॉमकासा, देखते हैं अब कॉमकासा में क्या रहेगा। अब कॉमकासा की फुल फॉर्म देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कॉमकासा। कॉमकासा का क्या मतलब है, देखिए कॉमकासा इज द कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी, लेट मी राइट इट आल्सो, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी मतलब कि कंपैटिबिलिटी रहेगी अब, एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट। देखिए हम जो भी इक्विपमेंट्स यूएसए से मंगाते हैं, जो भी परचेस करते हैं, उन इक्विपमेंट्स में अभी तक जैसे हमने कोई एयरक्राफ्ट परचेस किया, तो एयरक्राफ्ट के ऊपर मान लीजिए कोई हो गया हमारा कम्युनिकेशन के रडार वगैरह इसमें होते थे, ठीक है, तो वो हमारे हम लेते नहीं थे बेसिकली, या वो हम उसको यूज नहीं कर पाते थे अभी तक, क्योंकि हमने कॉमकासा साइन नहीं किया था यूएसए के साथ में। इसमें होता क्या है, वो स्पेशल टाइप के जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनके ऊपर स्पेशल टाइप के जो रडार्स होते हैं उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो इनक्रिप्टेड होता है, इनक्रिप्टेड होता है। तो अगर मान लीजिए हमारे ग्राउंड स्टेशन है जिसके साथ भी हम कनेक्टेड में हैं,
तो हमारे अगर जो एयरक्राफ्ट में पायलट बैठा हुआ है उसको कम्युनिकेट करना है, लेट्स से रिडार के थ्रू या ऐसे कम्युनिकेट करना है, तो हमारे यहाँ पर इंडियन हमने यूज किया हुआ है और वहां पर उसमें लगा हुआ है इनका यूएसए का, तो हमारे जो प्रोडक्ट थे उनके साथ में इंटरऑपरेबल नहीं थे। तो मतलब अगर इनक्रिप्टेड इस तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, तो इंटरऑपरेबिलिटी के लिए होता था ये एग्रीमेंट अलाउ करने के लिए। अगर ये साइन कर लेता है कोई कंट्री, तो जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो इंटरऑपरेबल हो जाते हैं। इसका मतलब वो एक्सेस कर सकते हैं इनक्रिप्टेड और सीक्रेट टेक्नोलॉजीज जो होती हैं यूएसए की उसको। लेकिन यूएसए ने कुछ उनकी एडवांस टेक्नोलॉजीज थी उसका सेल ब्लॉक कर दिया था, कुछ सेंसिटिव इक्विपमेंट्स थे यूएसए के, जो यूएसए जनरली जो भी हम प्रोक्योर करते थे यूएसए के सिस्टम्स पे उसी में इंस्टॉल्ड होते थे। क्योंकि इंडिया ने ये साइन नहीं किया था तो वो सेल ब्लॉक कर दी थी यूएसए ने। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट था ये कि जैसे मान लीजिए कि दो कंट्रीज हैं, ठीक है, साथ में रेस्क्यू कर रही हैं डिजास्टर रिलीफ के लिए, ऐसे कहीं पे भी सुनामी आई है, ठीक है, तो यूएसए ने भी हेल्प भेजी और इंडिया ने भी हेल्प भेजी। तो इंडिया वाले जो एयरक्राफ्ट जो हम यूएसए से खरीद रहे हैं, हमें यूएसए के साथ में अगर मतलब ऑपरेट करना है, मतलब मान लीजिए कि हमें कम्युनिकेट करना है उसमें रेस्क्यू और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में, तो ऐसे में हम इन इक्विपमेंट्स के थ्रू डायरेक्टली एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में रह पाएंगे एंड सिचुएशन को बेटर मॉनिटर कर पाएंगे। ऐसे ही मान लीजिए कि वॉर होती है, मान लीजिए वर्ल्ड वॉर 3 होती है और इंडिया यूएसए के साथ में है, तो ये लोग किसी थर्ड पार्टी के सेकेंड पार्टी के खिलाफ, थर्ड पार्टी के खिलाफ जो भी वॉर कर रही है, एग्रेसिव हो गई है, लेट्स से चाइना एग्रेसिव हो गया है, तो चाइना को कंटेन करना है, तो इंडिया के जो एयरक्राफ्ट होंगे यूएसए के जो एयरक्राफ्ट होंगे आपस में उनका इंटरऑपरेबिलिटी रहेगी इन कम्युनिकेशन के थ्रू, और ये जो इंटरऑपरेबिलिटी रहेगी एनक्रिप्टेड होगी, इसको चाइना वाले डिकोड नहीं कर पाएंगे, तो उनको हमारे जो भी प्लान्स होंगे उनके बारे में पता ही नहीं चल पाएगा, और उससे हम बहुत ही एफिशिएंटली चाइना को कंटेन कर पाएंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कॉमकासा के जो मैं आपको बताना चाहती थी। तो ये एक सॉर्ट ऑफ ना कॉमकासा का जो एग्रीमेंट था एक सॉर्ट ऑफ इलीगल फ्रेमवर्क था कि अगर इंडिया को कम्युनिकेशन सिक्योरिटी इक्विपमेंट चाहिए यूएसए से, तो इंटरऑपरेबिलिटी के लिए पहले ये फ्रेमवर्क साइन करना होगा इंडिया को। इसमें सिक्योर डेटा लिंक्स होंगे जो कोई एक्सेस नहीं कर सकता, इनक्रिप्टेड होंगे ये, इसमें हाई एंड इनक्रिप्शन होगी, हाई एंड सिक्योर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स होंगे जो मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स पे इंस्टॉल किए जाएंगे, कोई भी एयरक्राफ्ट अगर सेल किया जाता है तो ये सभी अब साथ में इंडिया को दिए जाएंगे। इंडिया की मिलिट्री अभी कमर्शियली अवेलेबल जो भी रेडार्स वगैरह हो रहते थे ज़्यादातर, या इक्विपमेंट्स के जो थे उसके ऊपर डिपेंडेंट थी, और अगर जो चीज़ कमर्शियली अवेलेबल है वो इजीली टैपेबल भी है, तो सिक्योर नहीं होती वो इतनी कम्युनिकेशन सिस्टम। हाई एंड अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे हर्क्यूलिस एयरक्राफ्ट हो गया, मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट हो गया अमेरिका का, इसमें जो स्पेशल लगते हैं कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स वो इजीली डिकोड नहीं किए जा सकते। तो यूएसए ने ये कहा था कि अगर आप कॉमकासा साइन करते हैं, अगर आपको इंडिया के इंडिया बेसिकली सोच रहा था यूएसए का एक सी गार्डियन ड्रोन्स है, सी गार्डियन ड्रोन्स उनको परचेज करने का, उनका आर्म्ड वर्जन। आजकल तो वैसे भी ड्रोन्स हैं जो आर्म्ड ड्रोन्स हैं उनको परचेज करने की बात बहुत हो रही है। इससे क्या होता है कि जो सी गार्ड ड्रोन्स आप इनको परचेज करते हो, अगर ये आर्म्ड होंगे तो इसमें आपको जो एनिमी जो हमारे एनिमीज होते हैं वो ज्यादातर हमारी साइड से जो सोल्जर्स होते हैं उनकी कैजुअलिटी हाई रहती है, उनको मार देते हैं, राइट, तो इससे ह्यूमन लॉस होता है। तो आर्म ड्रोन्स रहेंगे तो ह्यूमन लॉस नहीं होगा एटलीस्ट। तो
हमारे जवान हैं जो हमारे जो सोल्जर्स हैं उनकी लाइफ इससे सिक्योर रहेगी। तो ऐसा कुछ इंडिया इम्पोर्ट करने की सोच रही थी यूएसए से, और यूएसए ने साफ बोल दिया कि उनको कंकासा साइड करना पड़ेगा, तभी इंडिया को ये मिलेंगे ड्रोन्स। इंडिया इसको लेकर के पहले बहुत रिलक्टेंट थी, अभी तो इंडिया ने साइन कर लिया है कॉमकासा, लास्ट ईयर साइन किया है, लेकिन इंडिया इसको लेकर के काफी कंसर्न थी। सबसे पहले जो इंडिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री थी उनका ऑफिशियल ये डर था उनको कि अमेरिका, अगर हमने कॉमकासा साइन किया और जो कम्युनिकेशन सिस्टम हमें मिल जाते हैं ठीक है, तो इनके थ्रू अमेरिका हमारे जो मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम है जो इंडियन है, जो अमेरिका से भी इंपोर्ट नहीं किए गए, उसको एक्सेस कर पाएगी। तो जैसे अभी हमने 2016 में और अभी लास्ट ईयर 2018 में, नॉट 2018, दिस ईयर ओनली 2019 में पुलवामा अटैक के बाद में जो सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी हमने, वो जो स्ट्राइक्स हुई थी वो स्ट्राइक्स हमने बिना बताए की थी किसी को। तो हमारी जो ऐसे सीक्रेट ऑपरेशंस होते हैं उसमें किसी को बताना नहीं होता, तो उसमें जो कम्युनिकेशन सिस्टम यूज किए जाते हैं वो बहुत ही सीक्रेटिव रहते हैं, उनको भी एक्सेस कर पाएगी, इनका ये फियर था डिफेंस मिनिस्ट्री का। तो ऐसे में अगर हम किसी सर्जिकल स्ट्राइक के मान लीजिए सोच रहे होंगे तो यूएसए उसमें इंटरफेयर कर देगा, यूएसए की इंटेलिजेंस के पास भी ये न्यूज चली जाएगी। तो इसीलिए हम देखते हैं कि पहला तो कंसर्न इंडिया का ये था कि हम साइन नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कुछ हो जाएगा। दूसरा ये था कि इससे इंडियन सॉवरेनिटी की भी वॉयलेशन होगी, क्योंकि होगा क्या कि अगर कॉमकासा साइन किया जाता है तो यूएसए के जो इंस्पेक्टर्स हैं वो विजिट करेंगे इंडियन बेसिस पे, बार बार इंस्पेक्ट करते रहेंगे यू नो कॉमकासा के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको, तो इससे इंडिया की सॉवरेनिटी पे भी वॉलेट होगी। दूसरा रीजन था इंडिया का ये कंसर्न था कि हमारे बहुत सारे इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जो हमने रशिया से परचेज किए हुए हैं, और ऐसे भी इक्विपमेंट्स हैं जो इंडिया ने खुद ही इंडिजीनियसली बनाए हुए हैं, तो वो सभी इक्विपमेंट्स कॉमकासा के साथ में कंपैटिबल नहीं हो पाएंगे। तो ये बहुत ही एक पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू बन गया था इंडिया में। और क्योंकि अभी 2019 में इस साल इलेक्शंस थे, उसके चलते यूएसए और इंडिया के जो रिलेशंस थे काफी हद तक यू नो गवर्नमेंट हेजिटेट कर रही थी कि इस अग्रीमेंट को साइन ना ही किया जाए तो बेहतर रहेगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो भी इंडिया की डिमांड्स थी यूएसए ने उस पे क्या एश्योरेंसेस दिए इंडिया को, तो कुछ एश्योरेंसेस दिए गए जिसके चलते इंडिया ने फाइनली ये 2018 में साइन कर लिया। देखिए इंडिया की जो डिमांड थी एक क्लॉज लाने की कि इस अग्रीमेंट में क्लॉज लाओ आप जिसमें आप साफ साफ ये बात बताओ कि कॉमकासा साइन करने के बाद जो इंडिया का जो सॉवरेन लॉ है वो अफेक्ट नहीं होगा, इंडिया की सॉवरेनिटी हमेशा इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगी। तो इंडियन ऑफिशियल्स ने ये आर्ग्यूमेंट किया था इस क्लॉज के लिए कि ये इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील का भी पार्ट था, जब यूपीए गवर्नमेंट ने नेगोशिएट किया था तो तब भी इन्होंने एक्सेप्ट किया था, तो आज भी अमेरिकन्स एक्सेस यू नो ये सब एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये कंसेशन इंडिया को दे सकते हैं, तो ये चीज एश्योरेंस दिया गया है। दूसरा हम देखते हैं कि ये भी एश्योरेंस की डिमांड की जा रही थी कि अमेरिकन साइड से ये एक्सेस नहीं करेंगे हमारे जो दूसरे मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम है, इंडिया पे स्पाई करने के लिए अमेरिका इसको यूज नहीं कर सकता है, ये भी इसमें एश्योरेंस मांगा गया। दूसरा एश्योरेंस मांगा गया कि अगर आप ये ऐसे इक्विपमेंट्स दे रहे हो तो इसका मिसयूज नहीं करोगे आप, ऐसा नहीं है कि इसके चलते आप अमेरिकन नेटवर्क को और स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हो और यूएस मिलिट्री इसको इंडियन फोर्सेस के अगेंस्ट में यूज कर सकती है फ्यूचर में। दूसरा यूएस गवर्नमेंट होल इक्विपमेंट को ऑफ स्विच ऑफ नहीं कर सकती, अगर हमने ले लिया है इक्विपमेंट, हमने साइन कर लिया है, तो मान लीजिए कभी इंडियन के कोई हमारा पॉलिसी डिसीजन आता है इंडिया का, मतलब
पर इंडिया का कोई मिलिट्री नेटवर्क को अगर यूएसए हमारे फेवर में नहीं है, तो हमने कोई पॉलिसी डिसीजन लिया, मान लीजिए पाकिस्तान के अगेंस्ट में और यूएसए वाले इसके खिलाफ हैं, तो दे कैन नॉट शट ऑफ दीज इक्विपमेंट्स। ये कुछ कंसर्न थे जिसमें एश्योरेंसेस दिए गए, जिसके चलते हम फाइनली फिर कॉमकासा साइन करेंगे इनके साथ में। सो दिस वाज अबाउट कॉमकासा। सो ये तीन अग्रीमेंट तो देखिए हमने अभी साइन कर लिए हैं। फिर आता है बेका, इसके बाद आता है बेका अग्रीमेंट। अब हम बेका के बारे में बात करते हैं। बेका में देखिए क्या है, बेका हालांकि अभी साइन नहीं किया गया है, इस पर बस बात ही चल रही है कि बेका भी साइन किया जाना चाहिए, लेकिन व्हाट इज देयर इन बेका, काफी बार ये न्यूज में आता है कि फीचर्स क्या है इनके, आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा तीनों के की फीचर्स, यू नो वेदर ये बेका इज अबाउट दिस, एल एस ए इज अबाउट लॉजिस्टिक, कॉमकासा इज अबाउट कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी, ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। तो लेट अस टॉक अबाउट बेका। बेका का मतलब है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट। बेका जो है वो जियो स्पेशल कोऑपरेशन के लिए है। देखिए जो जीपीएस है यूएसए का, आपको पता है जीपीएस इज वेरी वेरी यू नो इफेक्टिव। जीपीएस की जो एरर का जो चांस रहता है बहुत लेस रहता है, ठीक है जीपीएस का। तो इसमें जियो स्पेशल कोऑपरेशन होगी आपस में, बेका साइन किया जाता है तो हम इन जो यूएसए का जीपीएस सिस्टम है उसको यूज कर पाएंगे हमारे सभी डिफेंस इक्विपमेंट्स में, डिफेंस जो भी हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। इंडिया और यूएसए के बीच में चाहे सिविलियन यूज के लिए हो चाहे मिलिट्री यूज के लिए हो, ये जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन आपस में शेयर कर सकते हैं। तो इसमें इंडिया के एडवांटेजेस क्या थे, यूएसए इन सभी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को एक साथ में कोऑपरेशन करने के लिए जो अग्रीमेंट साइन करने की बात करता है, इन अग्रीमेंट्स को यूएसए फाउंडेशनल एग्रीमेंट बोलता है। यूएसए का आर्ग्यूमेंट है कि इस इन सभी के चलते जो इक्विपमेंट्स यूएसए के पास में है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा, लॉजिस्टिक्स भी होगा, सीमलेस कम्युनिकेशन होगा दोनों कंट्रीज के मिलिट्री सिस्टम के बीच में। जैसे कि आपको मैंने इसके बारे में बताया, लिमोवा के बारे में बताया कि आज के टाइम पे इंडिया में इंडिया का ज्यादा फायदा होगा इसमें। डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में भी ये यूज किया जा सकता है। तो बेका इज फॉर जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन, इट इज फॉर जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन। व्हेन वाज दिस लिमोवा साइंड? लिमोवा आई थिंक अभी अग्रीमेंट साइन हुआ था प्रोबेबली इन द ईयर 2016 इफ आई रिमेम्बर। 2016 में ही साइन किया गया था, 2018 में ये साइन किया गया है कॉमकासा, और लिमोवा साइन किया गया है 2016 में। 2016 में या इट वाज साइंड इन 2016। बेका की अभी बात चल रही है। अभी फिलहाल के लिए बस बेका के लिए याद रखना है, दो दो तीन तीन टर्म्स आप याद रख सकते हैं। जैसे बेका की याद रख लीजिए, जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन के लिए है बेका। कॉमकासा है कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी के लिए। लिमोवा है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज के लिए। ये फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स बोलता है बेसिकली, ये तीन सबसे ज्यादा, ये तो बहुत पहले साइन कर लिया गया था तो इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। तो डिफेंस में ही क्वेश्चन आएगा अगर ज्यादातर आएगा, ठीक है बहुत लाइक इम्पॉर्टेंट है बेसिकली ये।
डिफेंस वाला जो एरिया रहेगा। ठीक है, तो ये नेगोशिएट तो खैर काफी टाइम से हो रहा था, ये जो एंड यूजर मॉनिटरिंग एग्रीमेंट है यूएसए और इनके बीच में, फाइनली 2009 में भी काफी इसमें चल रही थी, एंड यूजर मॉनिटरिंग एग्रीमेंट 2014 के पास में ये किया जाएगा बेसिकली। एनीवेज, लेट अस नाउ टॉक अबाउट ट्रेड रिलेशंस। ट्रेड के हिसाब से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ट्रेड एंड कमर्शियल सेक्टर में एफडीआई इनफ्लो और ये सब रहता है, ठीक है। तो इस पे श्याम सरन के व्यूज आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, एज इट इज आप फॉलो कर लीजिएगा। लेकिन ट्रेड में जो सबसे बड़ा इशू है वो है इंडिया यूएस की डब्ल्यूटीओ प्रॉब्लम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा इशू है ट्रेड में। डिफेंस के बाद अगर कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया और यूएसए में, वो है ट्रेड रिलेशंस, डब्ल्यूटीओ, स्पेशली डब्ल्यूटीओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डब्ल्यूटीओ में प्रॉब्लम्स क्या हैं? रिफॉर्म्स के लिए डिमांड किया जा रहा है। देखिए, डिस्प्यूट काफी है डब्ल्यूटीओ को लेकर के, तो इसमें रिफॉर्म्स की डिमांड की जा रही है। इनफैक्ट नॉट जस्ट इंडिया, चाइना भी इसमें रिफॉर्म्स की डिमांड कर रहा है। एंड यू नो, डब्ल्यूटीओ एक ऐसी इंडिस्पेंसेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मॉडर्नाइजेशन लाने की बहुत अर्जेंट बेसिस पे जरूरत है। जितने भी मेंबर्स हैं डब्ल्यूटीओ के, सभी को रियलिटी फेस करने की जरूरत है कि इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो रिफॉर्म्स ला करके इसको 21st सेंचुरी की जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रियलिटीज हैं उसके बिहाफ पे इसको कंपैटिबल बनाना होगा, वो जरूरत है। तो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी फेस कर रहा है यहाँ पर, लेट अस टॉक अबाउट दीज प्रॉब्लम्स। पहली प्रॉब्लम है यहाँ पर डिस्प्यूट सेटलमेंट से रिलेटेड, डिस्प्यूट सेटलमेंट से रिलेटेड। पहली प्रॉब्लम डब्ल्यूटीओ में डिस्प्यूट सेटलमेंट से रिलेटेड है। इसके अलावा हम देखते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर से। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से, आईपीआर राइट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आईपीआर, वीजा प्रॉब्लम्स इसमें है। ये सभी प्रॉब्लम्स हैं इसमें, स्पेशली H-1B वीजा के कॉन्टेक्स्ट में। तो एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से इश्यूज हैं, कहाँ कहाँ पर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है और क्या किया जा सकता है इसको रिजॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो देखिए डब्ल्यूटीओ इवॉल्व कैसे हुआ ये थोड़ा सा बता देती हूँ मैं बैकग्राउंड। देखिए, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक को हम मिल्क, इसको बोलते हैं हम ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के चलते आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक 1944 में, 1944 में स्टैब्लिश किया गया था। इसमें ओरिजिनल बेसिस पे ये एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्लान कर रहे थे ब्रेटन वुड एग्रीमेंट में। इसके चलते मल्टीलेटरल रूल्स लाए जाएंगे, स्टैब्लिश किए जाएंगे, ताकि जो भी ट्रेड डिस्प्यूट होते हैं कंट्रीज के बीच में उसको सेटल किया जा सके, और साथ ही साथ जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज फॉलो की करती है कंट्रीज उसको रेजिस्ट किया जा सके। लेकिन आईटीओ आया नहीं, क्योंकि यूएसए ने रिजेक्ट कर दिया इसको, और आईटीओ की जगह पे आया जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो सबसे पहले आया गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये आईटीओ को रिप्लेस करेगा, और जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड बहुत ही एडहॉक होगा।
आगे जाकर के इसकी जगह पे आया 1994 में, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, उसके बाद में ही हम देखेंगे कि डब्ल्यूटीओ से रिप्लेस किया गया 1995 में रिप्लेस कर देगा और डब्ल्यूटीओ आएगा। एक्चुअली 1 जनवरी 1995 ऑफिशियली डब्ल्यूटीओ कमेंस किया गया। माराकेश अग्रीमेंट साइन किया गया था, जो कि 124 कंट्रीज ने साइन किया था, और जिसके चलते अब गैट आएगा, गैट को रिप्लेस करके डब्ल्यूटीओ आएगा। और डब्ल्यूटीओ वाज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, लेकिन आज के टाइम पे ये बहुत क्राइसिस फेस कर रहा है, बिकॉज जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं इन्होंने प्रोटेक्शनिस्ट एटीट्यूड फॉलो करना शुरू कर दिया है। जैसे यूएसए क्या करता है, सिस्टमैटिकली जो नए एपेलेट बॉडी मेंबर्स होते हैं, जो नए जजेस होते हैं, उनके अपॉइंटमेंट को यूएसए ने ब्लॉक कर दिया। आज के टाइम पे आउट ऑफ 7 जो ऑफिसेस हैं डब्ल्यूटीओ के, उसमें से सिर्फ 4 हम देखेंगे काम कर रहे हैं, कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं यहाँ पर की गई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इसके चलते ये डब्ल्यूटीओ बिल्कुल क्राइसिस में है अभी इस टाइम पे। सबसे पहला क्राइसिस है डिस्प्यूट सेटलमेंट का। देखिए, डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए जजेस होते हैं, जजेस डिसाइड करेंगे कि वो डिस्प्यूट सेटल करते हैं। यूएसए इज नॉट विलिंग कि एक इंडिपेंडेंट मल्टीलेटरल क्वाजी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन यूएसए को जज करे। बेसिकली डब्ल्यूटीओ में था क्या, डब्ल्यूटीओ में प्रॉब्लम ये थी कि डिस्प्यूट सेटलमेंट केसेस अभी के लिए तो यू कैन फाइल दैट, ठीक है, और दे आर बीइंग लिटिगेटेड, लेकिन इसमें सिविल डायलॉग ज्यादा परसिस्ट कर रहा था ट्रेड डायलॉग से ज्यादा। जैसे कि एग्रीकल्चर को लेकर के जो प्रॉब्लम थी, इंडिया जो था ये चाहता था कि एग्रीकल्चर पे जो सब्सिडीज इंडिया देता है, डब्ल्यूटीओ के जो दोहा राउंड टॉक्स थे वो फेल हो गए थे बेसिकली, क्योंकि उसमें इंडिया चाह रहा था कि दोहा राउंड टॉक्स के चलते जो भी, देखिए यूएसए अपने डिमांड रखेगा, तो डेवलपिंग कंट्रीज या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होंगी अपनी डिमांड रखेंगी। हो क्या रहा था अभी तक कि जो जो डिमांड्स यूएसए रखता था वो दूसरी कंट्रीज एक्सेप्ट कर लेती थी, लेकिन जो ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी, डेवलपिंग कंट्रीज थी, इनकी जो डिमांड आती थी उसको फॉर द टाइम बीइंग रखा जाता था कि नेक्स्ट टाइम नेगोशिएट करेंगे, अभी जिस बात पे हमारा हो रहा है, यू नो वी आर एग्रीइंग टू इट, वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो फाइनली दोहा राउंड नेगोशिएशन में ये डिसाइड किया गया कि जब तक दोनों पार्टीज की डिमांड एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी, तब तक किसी पार्टी की डिमांड एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, इम्प्लीमेंट नहीं की जाएगी, मतलब दोनों पे ही नेगोशिएशन करने की जरूरत है। जब तक एक पार्टी के वो नहीं मान जाते, नेगोशिएशन कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक जो सभी जिस पे एग्री कर रहे हैं वो भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो भी हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। और इसमें था यूएसए सबसे पहले चाह रहा था कि एग्रीकल्चर और इन सभी चीज़ों में कि सब्सिडीज जो देश देते हैं वो सब्सिडीज देना बंद कर दें, ताकि कंपिटिटिव बन सके ट्रेड, सभी ओपन मार्केट हो और ये सब चीज़ें रहें। लेकिन इंडिया जैसी जो कंट्रीज हैं जहाँ पर फार्मर सुसाइड के इतने केसेस होते हैं, ठीक है, तो हमारी जो सरकार है, 50% हमारी पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, तो हमारी जो 50% पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें बहुत गरीबी भी है, तो सरकार क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज रेट पे देती है इन फार्मर्स को, ठीक है, वाटर जिससे निकलता है ट्यूबवेल्स वगैरह से, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत सब्सिडाइज रेट पे देती है इनफैक्ट, और साथ ही साथ फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स भी सब्सिडाइज रेट पे देती है। यूएसए में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यूएसए में बहुत कम परसेंटेज की पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर परफॉर्म करते हैं, और वहाँ पर लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर है, हमारे यहाँ पे नहीं है ऐसी चीज़ें,
तो वो लोग चाह रहे थे कि कंपिटिटिव होना चाहिए। कंपिटिटिव मतलब अगर यूएसए के एग्रीकल्चर इंडिया के एग्रीकल्चर से कंपीट करेगा तो यूएसए की जो वीट होगी कंपैरेटिवली बहुत सस्ती होगी, और उस हिसाब से यूएसए के प्रोडक्ट, यूएसए की जो वीट होगी वो इंडिया में ज़्यादा बिकेगी रादर देन इंडिया की। तो इससे रिलेटेड हमारे एग्रीकल्चर में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ एक तो नेगोशिएशन एग्रीकल्चर में थी कि एक होता है एम्बर बॉक्स, एक होता है ग्रीन बॉक्स, एक होता है ब्लू बॉक्स। आई एम श्योर ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, वही सेम चीज यहाँ पर अप्लाई करनी है। तो आई एम नॉट गोइंग इन टू डिटेल हियर इन डब्ल्यूटीओ प्रॉब्लम्स, लेकिन आपको थोड़ा पता होना चाहिए इसके बारे में आइडिया। तो ये आप अपने इकोनॉमिक्स में से पढ़ेंगे। हालांकि डब्ल्यूटीओ जैसे जो टॉपिक्स है दिस इज पार्ट ऑफ अ सिलेबस ऑल्सो, लेकिन डब्ल्यूटीओ को एज इट इज आप इकोनॉमिक्स में एनी वे एकदम डेप्थ में कवर करोगे, तो वहीं से आपको कवर करना है, क्योंकि इसमें आज सच हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो यहाँ पर रहेगा डब्ल्यूटीओ के केस में, हमारे जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनका ओपिनियन है। जैसे कि सी राजा मोहन है, सी राजा मोहन का कहना है अभी जैसे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, तो ट्रेड रिलेशंस में इंडिया के क्या क्या चैलेंजेस हैं। सबसे पहले ट्रेड एंड इमिग्रेशन इश्यूज पे इंडिया का क्लेम है कि ये सभी जो ट्रेड और इमिग्रेशन इश्यूज हैं इंडिया के वो डब्ल्यूटीओ के कंप्लायंस में नहीं है। यूएसए फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर में बिलीव करता है, ठीक है, एंड इसके चलते हम देखते हैं कि इंडिया के साइड से भी जो भी प्रोफेशनल्स जाते हैं H1B वीजा लेकर के नियरली, जैसे कि 2018 के 2010 का अगर हम डेटा देखें तो ऑलमोस्ट 12 लाख स्किल्ड माइग्रेंट्स इंडिया से यूएस गए थे 2010 में। तो स्किल्ड माइग्रेशन की जो मूवमेंट है इंडिया से बहुत ज्यादा है, इंडिया से यूएस से बहुत सारे स्किल्ड लोग जाते हैं वहां पर, और ट्रम्प इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सो रिसेंटली ये वीजा प्रॉब्लम से रिलेटेड भी एक इश्यू हुआ था। इंडिया इज द लार्जेस्ट यूजर ऑफ H1B वीजा। इंडिया में 2014 में ऑलमोस्ट जितने H1B वीजा से जितने भी माइग्रेंट्स गए थे वर्ल्ड के, उसमें 70% लोग इंडिया से गए थे H1B वीजा लेकर के। एंड एट द सेम टाइम L1 वीजा ऑल्सो इज देयर, उसमें भी इंडिया के 30% लोग जाते हैं बेसिकली। तो इंडिया इसीलिए बायलेटरल डिस्कशन इस चीज पे परस्यू करने के लिए तैयार है कि डब्ल्यूटीओ के केस में अगर मान लीजिए कोई भी इशू नहीं होता, क्योंकि आईपीआर को लेकर के यूएसए का बहुत इशू है। आईपीआर के चलते जो जेनरिक मेडिसिन इंडिया बनाता है, ठीक है, उसमें यूएसए की बहुत सारी ब्रांडेड ऐसी कंपनीज हैं जो जेनरिक मेडिसिन अलाउ नहीं करती है, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई भी पब्लिक रिलेटेड बहुत ही क्राइसिस हो रखा है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर बीमारी को लेकर के, तो ऐसे में कंपनीज के पास में ये राइट है इंडिया की इस बेसिस पे कि जेनरिक मेडिसिन वो बना सकते हैं जो अफोर्डेबल हो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के चलते। ये सभी चीजें यहाँ पर बात की गई है। जैसे इसमें एक ड्रग है नेक्सावर, इसके बारे में भी काफी इश्यू में था, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। ये सभी वैसे इकोनॉमिक एंगल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए रादर देन ट्रेड, और इस चर में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू टू कवर इट फ्रॉम योर इकोनॉमिक्स इट सेल्फ। हमें क्योंकि एक्सपर्ट्स के ओपिनियन पे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखनी है यहाँ पर। जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप सी राजा मोहन या ट्रेड पे किसी का भी जो भी इशू है वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके देखिए बहुत इम्पैक्ट पड़ेंगे इंडिया पे लेबर से रिलेटेड और इन सब से रिलेटेड। एनीवेज ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन के चलते इंडिया यूएस रिलेशंस पे भी कुछ इफेक्ट पड़ा। जैसे कि सी राजा मोहन ने कहा कि स्मार्ट मनी इन इंडिया शुड बी ऑन अ सिग्निफिकेंट चेंज रादर देन द कंटिन्यूटी इन वॉशिंगटन। प्रॉबेबली अगर हमें ट्रम्प की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को समझना है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आज क्या हो रहा है, ठीक है, वर्ल्ड में अमेरिका का ये स्टैंड क्यों जा रहा है। अमेरिका पब्लिक
पास्ट को भी समझोगे तो अमेरिका हमेशा से अपने नेशनल इंटरेस्ट को ही परस्यू करता आया है। आज भी अमेरिका प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज फॉलो करके अपने ही इंटरेस्ट को परस्यू कर रहा है। लेकिन ज्यादातर इसमें न्यूक्लियर रहेगा, आपका काउंटर टेररिज्म डिफेंस आ गया, न्यूक्लियर आ गया, ये सभी एनर्जी एक्सपोर्ट्स हो गए, ये सभी एंगल्स रहते हैं। अभी एट प्रेजेंट श्याम सरन का कहना है कि जो अभी गवर्नमेंट है यूएसए में, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ में, इंडिया के साथ में काफी मतलब इन्वेस्ट किया है। ऑब्वियसली क्योंकि यूएसए अपनी मिलिट्री पावर में देखिए आगे है ही, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एक्सेलेंस में अनमैच्ड सोर्स है यूएसए का, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इनक्रिप्टेड जो इनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं जो हम टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इंडिया के इंटरेस्ट में आता है क्योंकि दोनों कंट्रीज अगर साथ में मिलकर के काम करती हैं तो कहीं ना कहीं चाइना डोमिनेटेड एशिया और चाइना डोमिनेटेड वर्ल्ड के जो उसका सपना है उसको प्रिवेंट कर सकती है, चाइना को कंटेन कर सकती है। तो इंडिया को अपनी यूएसए के साथ में जो रिलेशनशिप है उसको डाइल्यूट नहीं करना चाहिए, उसको ऐसे अभी भी वीजा जैसे इश्यूज पे डाइल्यूट ना करें अपने रिलेशनशिप को। श्याम सरन का कहना ये है, हमें लार्जर एक गोल देखना पड़ेगा हमारा, दैट इज चाइना को कंटेन करने वाला। एस जयशंकर हैं, फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, इनका व्यू था कि देखिए यूनाइटेड स्टेट्स जो है ऑफ अमेरिका, ये अपनी एंगेजमेंट वर्ल्ड के साथ में चेंज कर रहा है, रीफ्रेम कर रहा है। तो लेट अस बी क्लियर व्हाट इज नॉट हैपनिंग। सबसे पहले यूएसए वर्ल्ड से विड्रॉ नहीं कर रहा है, यूएसए इज जस्ट सीकिंग टू गेट व्हाट इट होप्स टू बी अ बेटर डील फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आप इस कंक्लूजन पे मत पहुंचो कि यूएसए इज पुलिंग आउट ऑफ एवरीथिंग एंड इसीलिए प्रोटेक्शनिस्ट है यूएसए। नहीं, यूएसए भी चाहता है कि वर्ल्ड के साथ में एक बेटर डील को नेगोशिएट कर सके, इसीलिए भी विड्रॉ किया जा रहा है। लेकिन यूएसए आज के टाइम पे कंटिन्यूअसली प्रेजेंस है, चाहे वो एशिया पैसिफिक रीजन क्यों ना हो। तो अगर ऐसे नॉनसेंस अंडरस्टैंडिंग आप बनाओगे यूएसए के लिए, पॉलिसी मेकर्स और एनालिस्ट इसके अराउंड अपनी सारी अंडरस्टैंडिंग बिठाएंगे तो वो सही नहीं। तो उनका कहना था, डू नॉट डिमोनाइज ट्रम्प, एनालाइज ट्रम्प। क्योंकि ट्रम्प ने देखिए बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिसमें से पुल आउट कर लिया, जैसे WTO की हम बात कर रहे हैं कि बहुत ट्रम्प बार बार ये बोल रहे हैं कि हम WTO से निकल जाएंगे। तो डोंट डिमोनाइज हिम, नेगेटिव मत समझो, उनको एनालाइज करो कि करना क्या चाह रहे हैं, किस हिसाब से वो वर्ल्ड के साथ में एक बेटर डील की होप कर रही है। अब इसी सिचुएशन में ये तो खैर एज अ फॉरेन सेक्रेटरी एस जयशंकर इतना डीपली एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत दूसरे भी थिंकर्स हैं, जैसे प्रताप बानू मेहता हो गए, सी राजा मोहन हो गए। आप जब भी इनके कभी आर्टिकल्स पढ़ेंगे, मान लीजिए न्यूज़पेपर से आप पढ़ते हैं, किसी एडिटोरियल आया कोई इंडियन एक्सप्रेस से या द हिंदू से, इनका जो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट होगा वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे सी राजामोहन का कहना है कि इंडिया को इस चीज पे फोकस नहीं करना चाहिए कि अमेरिका चाइना के साथ में कैसे बिहेव कर रहा है, या अमेरिका पाकिस्तान के साथ क्लोज है, या अमेरिका इंडिया का रिलायबल पार्टनर भी है कि नहीं। इस पे फोकस ना करके इंडिया को फोकस करना चाहिए अपनी यूएसए के साथ में, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में, कि कैसे प्रैक्टिकली हम कोऑपरेट कर सकते हैं। एक तो हम कोऑपरेट करके सबसे पहले जो यूएसए का स्टांस है पाकिस्तानी आर्मी की तरफ कन्फ्रंट करवाने वाला कि भाई आप स्टेट टेररिज्म आप स्पॉन्सर कर रहे हो, एक तो इस पे रखना चाहिए। दूसरा,
वी शुड एनकरेज ट्रंप कि अपने जो भी ब्यूरोक्रेटिक हेजिटेशंस हैं इंडिया की राइस को सपोर्ट करने से रिलेटेड, उस पे कुछ काम कर सके, ये हेजिटेशंस को डिस्कार्ड कर सके ऑल टुगेदर। अनदर कैन बी कि वी नीड टू डिलिनिएट द पाथवेज इंडो पैसिफिक रीजन को एक बैलेंस्ड पावर ऑफ सिस्टम बनाने के लिए, हमको अपने जो पाथवेज हैं इस टाइप से एक हमको कन्वर्ज करना है दैट एक बेटर स्टेबल बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम हम क्रिएट कर पाए। तो इन सभी चीजों में हाईलाइट करते हैं सी राजा मोहन। और आज के टाइम पे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जैसे निशा बिस्वाल हो गई, जो इंडो पैसिफिक के जियो इकोनॉमिक कंडीशन को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मानती है। तो ये चीजें अलग अलग एक्सपर्ट्स ने इस तरीके से हमको सजेशंस दिए हैं, वो चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट थिंग इज इंडिया रशिया रिलेशंस। अब इंडिया यूएस रिलेशंस के जितने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे वी आर डन विद दैट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंडिया रशिया रिलेशंस। अब इंडिया रशिया रिलेशंस में क्या है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक रशियन प्रोवर्ब इन्वोक करते हुए इंडिया रशिया की फ्रेंडशिप को हाईलाइट करते हुए बोला था कि एन ओल्ड फ्रेंड इज बेटर देन टू न्यू वंस। मतलब एक जो पुराना फ्रेंड होता है वो दो नए दोस्तों से भी बेहतर होता है। ठीक है, तो पुराना दोस्त क्यों बोला गया, ये रशिया के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। रशिया के साथ में हमने अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की थी, लाइक अभी यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से पहले भी हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी 1970 में यूएसएसआर के साथ में। और बाद में जब रशिया आया डिसइंटीग्रेशन के बाद, तो वी सी कि उस टाइम पे भी हमने, हम देखेंगे कि फर्दर 2000 के पास में हम दोबारा से अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इनके साथ में साइन करेंगे। तो ब्रॉड आउटलाइन अगर हम देखें कि करंट स्टेटस क्या है रशिया का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो श्याम सरन के अकॉर्डिंगली, मतलब अगर श्याम सरन के थॉट प्रोसेस के थ्रू चलें, तो व्हाट विल बी द करंट स्टेटस ऑफ रशिया इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स टुडे। रशिया का पोजीशन जो है, स्टेटस जो है आज के टाइम पे भी एज अ ग्रेट पावर है। सुपर पावर तो नहीं है ऑब्वियसली रशिया, लेकिन सुपर पावर होती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, जिसको आप मिलकर के भी हराना चाहो तो हरा नहीं सकते। लेकिन रशिया के मामले में ये बोला जाता है दैट इट इज स्टिल वन ऑफ द ग्रेट पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द ग्रेट पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। Russia has rich natural resources hain. Russia has a long history of mastery over science. It has a long history of mastery over science and technology. Aaj bhi aap dekhoge ki Russia ki jo economy hai do cheezon pe dependent hai. Pehli hai Russia ki economy oil pe dependent, ऑयल एंड नेचुरल गैस, एंड दूसरी है डिफेंस इक्विपमेंट पे। इसीलिए यूएसए कंपीट करता है रशिया के साथ में इन टर्म्स ऑफ डिफेंस ट्रेड, स्पेशली इंडिया के केस में। सो व्हाट वी सी इज कि रशिया की जो पोजीशन है आज के टाइम पे, इट इज लाइक दैट।
वन ऑफ द ग्रेट पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे हैं रशिया के साथ में, सोवियत रिपब्लिक के साथ में। हमारे नेबरहुड का पार्ट हुआ करता था रशिया, क्योंकि सेंट्रल एशिया जो कंट्रीज थी जो बहुत क्लोज हैं आज के टाइम पे इंडिया के, यू नो डायरेक्टली अगर लैंड रूट के थ्रू देखें तो रशिया वहाँ तक हुआ करता था, यूएसएसआर। तो हम देखते हैं कि यू नो करंट स्टेट में रशिया इज अनलाइकली टू इमर्ज एज वन ऑफ द की आर्किटेक्ट ऑफ द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर, क्योंकि रशिया की जो इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर है वो कहीं ना कहीं डिमिनिश हो गई है। क्योंकि डेमोग्राफिक देखोगे आप रशिया की तो काफी खराब है डेमोग्राफी। सो व्हाट वी सी इज श्याम सरन ने अपनी एक बुक थी, उनकी बुक है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, इसके बारे में हम पहले भी शायद बात कर चुके हैं। श्याम सरन ने अपनी बुक हाउ इंडिया की, इंडिया वर्ल्ड को कैसे देखता है, उसमें ये चीज लिखी है कि रशिया इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है। अभी भी हम जो अपने एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज हैं, हार्डवेयर हैं, वो रशिया से ही इम्पोर्ट करते हैं। रशिया इज अ सोर्स टू दैट आज के टाइम पे। लेकिन इंडिया को डील करना पड़ेगा अपनी इकोनॉमिक और सिक्योरिटी रिलेशनशिप को, यू नो रशिया के और चाइना के रिलेशनशिप के साथ में, जो भी उनके रिलेशनशिप बढ़ रही है रिगार्डिंग द डिफेंस इक्विपमेंट्स उससे रिलेटेड। इंडिया हैड टू डील विद दिस कि चाइना और रशिया के जो सिक्योरिटी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग यू नो जो भी बढ़ रही हैं इनकी रिलेशनशिप्स। जैसे रशिया आज के टाइम पे वही सेम एडवांस वेपनरी चाइना को भी प्रोवाइड कर रहा है जो पहले टाइम पे इंडिया को प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन हम देखते हैं 1989 के बाद में ना तो यूएसए ना ही कोई वेस्टर्न एलाइज चाइना को डिफेंस या डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करता है, कोई वेपन सप्लाई नहीं किए जाते हैं, रशिया सप्लाई कर रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी कोई डाउट वाली बात नहीं है कि वेस्ट किस तरीके से यू नो रशिया के साथ में डील करता है। कुछ अभी भी वेस्टर्न कंट्रीज ये चाहती हैं कि जो न्यू कोल्ड वॉर यू नो एक तरीके से यूरोप में चल रहा है, जिसमें रशिया की इंटेंशंस हो सकती हैं दोबारा से टू चैलेंज दिस। लेकिन इंडिया के लिए हम देखें, जैसे अभी 2014 में आप देखोगे यूक्रेनियन क्राइसिस हुआ था, क्रीमियन क्राइसिस, जिसके चलते क्रीमिया ऑक्यूपाई किया था रशिया ने, इसके चलते एक नया एलिमेंट ऑफ डिस्कम्फर्ट हैज कम दैट सीक्स टू मेंटेन इट्स ट्रेडिशनल रिलेशनशिप विद रशिया। इनफैक्ट इंडिया इज अनकंफर्टेबल ऑल्सो इस हिसाब से कि इंडिया सॉरी रशिया और चाइना के रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं, ये इंडिया के डिसएडवांटेज में काम करेगा। तो श्याम सरन का कहना है कि अगर यूएसए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में रशिया के ऊपर सैंक्शंस रिमूव मान लीजिए कर देता है, तो यूरोप भी रशिया के ऊपर से जो सैंक्शंस हैं वो हटा देगा, और इसके चलते रशिया का जो इंटरनेशनल प्रोफाइल है वो बूस्ट हो जाएगा। वो बूस्ट होगा तो इसके चलते रशिया और चाइना के बीच का डिस्टेंस तो बढ़ जाएगा। तो ये सभी सिचुएशंस इंडिया की डेवलपमेंट को सूट कर सकती हैं, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता कि रशिया एंड चाइना क्लोज आए बिकॉज ऑफ दैट। क्योंकि ट्रंप की हमने देखी भी है कि ट्रंप इज यू नो समहाउ टिल्टेड टुवर्ड्स दीज आइडियाज। लेकिन रीसेंट कंट्रोवर्सी के चलते, जैसे एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि रशिया वाले बहुत उन्होंने इंटरफेयर किया था यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, तो इसके चलते एक पॉजिटिव शिफ्ट आना तो मतलब दूर दूर की बात है। तो इस चीज को हाईलाइट करते हैं श्याम सरन। एंड नॉट जस्ट दिस, देर आर अदर स्कॉलर्स ऑल्सो
इनका रशिया को लेकर के क्या मतलब स्टांस है उसके बारे में ये बात करते हैं। देखिए रशिया की जो पॉलिसी है वो रियलिज्म पे बेस्ड है, रियलिस्ट है रशिया। रशियन की जो पॉलिसी है वो रशिया अपनी पॉलिसी को इसमें देखता है रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से कि आज के टाइम पे देर इज अ जियो पोलिटिकल कॉम्पिटिशन बिटवीन यूएसए एंड चाइना, दैट इज ट्रू। तो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप के हिसाब से अगर हम देखें तो चाइना के साथ में रशिया का स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप 1959 से था। सोवियत यूनियन नॉट ओनली रिफ्यूज टू सपोर्ट चाइना जब भी चाइना के टेरिटोरियल डिस्प्यूट हुए थे इंडिया के साथ में, इनफैक्ट सोवियत यूनियन ने इंडिया को MIG-21 भी ऑफर किया था। इनफैक्ट यू नो 1962 वॉर के बारे के जब हमारी वॉर हुई थी चाइना के साथ में, इंडिया चाइना वॉर हुई थी, उसमें जो सोवियत उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है, उसमें एक ना प्राइम मिनिस्टर, वी सी दैट सोवियत के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पे सोवियत प्रीमियर, उनके साइड से इट वाज निकिता क्रुश्चेव, शी वाज द वन जिन्होंने चाइनीज को ये बोला था कि देर इज नो प्लेस फॉर न्यूट्रलिटी नाउ, और इन्होंने यू नो दिस इज व्हाट यू नो दे हैव डन। तो 1965 की भी वॉर थी, रशिया ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उस टाइम पे भी, जब लाल बहादुर शास्त्री ने रशिया गए थे 1965 में, तो वहां पर हम देखेंगे कि यू नो बहुत ही मिथ है हमारा। एक तो पहली बात तो ये, तो श्रीनाथ राघवन है ही बेसिकली हाइलाइट्स दिस मिथ कि हम हमेशा अपने आप को चाइना का यू नो वो समझते हैं, नॉट चाइना, रशिया का फ्रेंड समझते हैं। बट ओवर द टाइम अगर आप देखोगे कि रशिया ने कहाँ पर क्या क्या रोल प्ले किया है तो यू विल रियलाइज, यू विल बी शॉक्ड कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मिथ है, सिर्फ मिथ है ये। जैसे 1970s और 80s में जो हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी इंडिया ने, 1968 के बाद में बैक ऑफ कर लेगा रशिया। आगे जा करके जब इंडिया ने फिर एग्री किया कि ठीक है यू नो 1971 में जब फाइनली दोबारा से ट्रीटी होगी, सो तब जा करके देर विल बी कन्वर्जेंस उस टाइम पे, क्योंकि बांग्लादेश के इशू पे यूएस चाइना एंड पाकिस्तान एक जगह खड़े थे, एंड जब तब रशिया यू नो बेसिकली हैज बिन देयर, आगे जा करके इंडिया के साथ में खड़ा होगा, और कोल्ड वॉर के बाद तो कलाप्स ही हो जाएगा। सो व्हाट वी सी इस एस्पेक्ट में अगर रिलेशनशिप को हम एनालाइज करें तो आज के टाइम पे तो डिफेंस कोऑपरेशन ज्यादा मैटर करती है हमारे रशिया के साथ में, प्लस ऑयल की हमारे जो भी यू नो सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें हैं। इसके अलावा सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में कंदुकलम, जो कुंदन कलम पावर प्लांट है जिसका Unit 1 एंड Unit 2 फंक्शनल हो चुका है, रशिया ने बेसिकली उसमें इन्वेस्ट किया है, राइट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की है। देन S-400 अभी हमने प्रोक्योर किया है रशिया से, एयर डिफेंस सिस्टम है, राइट, जॉइंट वेंचर्स चल रहे हैं रिगार्डिंग द लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, इंडिया और रशिया मिल करके काम कर रहे हैं। देन इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट्स हमने साइन किया है जिसमें हम स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाएंगे, ठीक है, ये भी यू नो रशिया और इंडिया साथ में मिलकर के बनाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट वी सी की कमर्शियल टाइज अगर हम देखेंगे, बायलेटरल टाइज इंडिया और रशिया के बीच में, तो हाईली बायलेटरल टाइज इज अराउंड यू नो हार्डली इट इज $8 बिलियन ओनली, हार्डली $8 बिलियन बायलेटरल टाइज है। यानी रशिया के साथ में इंडिया का सिर्फ 1% ट्रेड होता है, 1% ट्रेड, और इसको बढ़ाए जाने की जरूरत है। तो टारगेट यही किया जा रहा है कि 2025 तक इसको $8 बिलियन से $30 बिलियन तक पहुंचाया जाएगा, और इसको कैसे किया जाएगा, INSTC के थ्रू।
INSTC के थ्रू। तो दिस वी कैन डू दैट। व्हाट इज दैट चिन्मय, क्या लिखा है आपने? ₹1 billion line of credit. हाँ, definitely. This will improve our relations. $1 billion line of credit, तो obviously. देखिए, इस टाइम पे रशिया के ऊपर लगे हुए हैं sanctions. तो उसके चलते इनकी जो economic capabilities हैं वो बहुत ही diminished हैं. Challenge नहीं कर सकता रशिया किसी को भी economic wise. अभी जो रशिया की economy देखोगे तो रशिया की जो इकोनॉमी है एनर्जी एक्सपोर्ट पे ज़्यादा रिलायंट है, ऑयल एंड गैस में. ऑलमोस्ट जो आधा रेवेन्यू आता है इनका ऑयल एंड गैस से आता है, क्योंकि यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हुए हैं. इसके चलते हम देखेंगे कि इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा डामाडोल है इनकी. इसके अलावा मिलिट्री स्पेंडिंग भी बहुत हैवी करते हैं ये. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इनकी बहुत डिक्लाइन हो गई है रशिया में. The private investment has declined considerably. Private investment नहीं है यहाँ पर. ऐसे में इंडिया की साइड से ये सब चीज़ें बूस्ट हो रही हैं. रशिया और इंडिया की इकोनॉमिक टाइज और लाइन ऑफ क्रेडिट इस तरीके का ऑब्वियसली विल हेल्प. दूसरा ये है कि डेमोग्राफिक डिक्लाइन भी हुआ है रशिया में लॉन्ग टर्म पे, तो ग्रोथ नहीं है रशिया के अंदर. हालांकि इंडिया और रशिया में अभी तक जो है हम प्राइमरली देखेंगे बायर सेलर रिलेशनशिप है, लेकिन बाकी सब सेक्टर्स में भी एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है, जैसे डिफेंस, हाइड्रोकार्बन, न्यूक्लियर पावर, इन सब में और भी ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत है हमें. जैसे कि हमारी SR है, इसने $13 billion की डील की है रॉसनेफ्ट के साथ में, विच इज़ रशियन साइड ऑफ कंपनी. इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स हो गए, हेल्थ केयर हो गया. फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर्स में IT सेक्टर में इंडिया की स्ट्रेंथ है, तो इसको भी रशियन इन्वेस्टमेंट में सीख किया जा रहा है कि इंडिया ये सब चीज़ें भी प्रोवाइड कर सकता है. रशिया की साइड से जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, जॉइंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंडर में, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो गया, स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स हो गए, ये सभी इसमें आ जाएंगे. और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. INSTC के बारे में तो हम आई थिंक सेंट्रल एशिया में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि किस तरीके से INSTC हेल्प करेगा. फिलहाल के लिए हमें जो इम्पोर्टेंट आइडिया आज जिस पे हमें कवर करना है, दैट इज रशिया की रिलेशनशिप चाइना और पाकिस्तान के साथ में रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसका इंडिया रशिया रिलेशंस पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कि आज के टाइम पे रशिया और चाइना और रशिया और पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं. जैसे कि रशिया एंड चाइना का आप देखेंगे तो अम्बेसडर हैं PS राघवन. अकॉर्डिंग टू अम्बेसडर PS राघवन, इनका कहना है कि रशिया के लिए चाइना के साथ में लॉजिकली ये कंपेलिंग है कि उनको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि देखिए चाइना का राइज हो रहा है, चाइना एंड USA इस टाइम पे उसमें है, एक दूसरे के अगेंस्ट में कम्पीट कर रहे हैं, दिस इज ग्लोबल कॉम्पिटिशन गोइंग ऑन. तो ऐसे में रशिया इसका फायदा उठा सकता है एंड USA के अगेंस्ट में तो रहता ही है, चाइना के साथ में अपनी रिलेशनशिप को, पार्टनरशिप को फर्दर स्ट्रेंथन कर सकता है. दोनों ही कंट्रीज के बीच में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 4,000 किलोमीटर बॉर्डर का डायरेक्ट बॉर्डर है, 4,000 किलोमीटर का. एंड दोनों की इकोनॉमिक कॉम्प्लीमेंटेरिटीज हैं. रशिया के पास में एनर्जी सिक्योरिटी है, रशिया के पास में डिफेंस इक्विपमेंट्स है, चाइना के पास में नहीं है. चाइना को एनर्जी सिक्योरिटी की ज़रूरत है, चाइना की एपिटाइट है नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर के, रॉ मटेरियल्स को लेकर के, मिलिट्री टेक्नोलॉजी को लेकर के. तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इनके बीच में. इसीलिए जो आपको पता है बॉर्डर इश्यूज हुआ करते थे दोनों के बीच में,
2005 में इन्होंने जल्दी से जल्दी अपने डिस्प्यूट इसीलिए सॉल्व किए। तो रशिया इज अ कंट्री जो अपना स्टेटस एज अ ग्रेट पावर सीक कर रही है। पुटिन के अंडर में तो, व्लादिमीर पुटिन के अंडर में तो ये तो चाह ही रहे हैं कि रशिया अपने से दोबारा से ग्लोरी फिर से वापस लाए। तो रशिया इसीलिए चाइना को एज अ पोटेंशियल स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी भी मानता है, लेकिन एट द सेम टाइम इसीलिए हम देखते हैं रशिया का ये मानना है कि अगर आज हम चाइना के साथ में हैं तो कल को चाइना, क्योंकि एक्सपेंशनिस्ट है रशिया, इज अ रियलिस्ट, तो रशिया को पता है कि कल को चाइना हमको ही चैलेंज कर सकता है, हमको, हमारा एनिमी हो सकता है, पोटेंशियल एडवर्सरी या एनिमी हो सकता है। यही रीजन है कि रशिया चाइना को लेटेस्ट जो जनरेशन के वेपन्स होते हैं वो प्रोवाइड नहीं करता है। रशिया साथ ही साथ इस चीज को लेकर भी बहुत केयरफुल है कि जो चाइनीज की इन्वेस्टमेंट हो रही है हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्रीज में, उसको लेकर के भी काफी केयरफुली उसको वॉच कर रहा है। अब क्रीमिया को एनेक्स करने के बाद में रशिया के रिलेशंस वेस्ट कंट्रीज के साथ में तो फ्रीज हो गए। इसके चलते पूरा कॉम्प्लेक्शन चेंज हो गया रशिया चाइना रिलेशनशिप का। तो आज के टाइम पे तो रशिया वॉज लॉक्ड इन टू अ टाइटर एम्ब्रेस ऑफ चाइना। अभी 2014 के पास में रशिया ने पाकिस्तान के साथ में भी एंगेज करना शुरू किया था। ठीक है, पहले इन्होंने लाइक देर वॉज दिस ब्लॉक लगाया हुआ था इनके साथ में, बट वॉट वी सी इज दैट दे आर बेसिकली यू नो एंगेजिंग विद देम मोर नाउ। मिलिट्री ड्रिल्स हो रही हैं इनकी, इनके साथ में एक्सरसाइजेस हो रही हैं, जैसे फ्रेंडशिप 2016 की मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी इनके साथ गिलगित बाल्टिस्तान रीजन में। तो उस हिसाब से इसको लेकर के कि क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं इसके इंडिया रशिया रिलेशंस पे, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो उसमें प्रोफेसर एसडी मुनि का कहना है कि इससे इंडिया और रशिया की जो यू नो जस्ट बिकॉज ये पाकिस्तान के साथ में रशिया कर रहा है, इसकी वजह से हम अपने रशिया के साथ में रिलेशंस ना खराब करें। जस्ट बिकॉज वो मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं तो हमें ज्यादा कंक्लूजन नहीं उस पे करना चाहिए। इस चीज को लेकर के सी राजामोहन का कहना है दैट इंडिया नीड्स टू गेट रियल विद रशिया। इंडिया मस्ट स्टॉप टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। इसीलिए क्योंकि आज हम भी तो अमेरिका के साथ में कितना क्लोज जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या इस सिनारियो को रशिया नहीं देख रहा होगा? इस सिनारियो को रशिया जब एनालाइज कर रहा होगा तो रशिया को भी तो कितना यू नो लाइक रशिया मस्ट बी फीलिंग अ लॉट कंसर्न्ड अबाउट दिस व्हेन इंडिया एंड यूएस रिलेशंस आर ग्रोइंग। तो हमको भी अपने स्टेप्स को एनालाइज करने की जरूरत है। हाय विकास, गोइंग थ्रू रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड कंप्लीट 50 लेक्चर्स, कंफ्यूज अबाउट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पेपर 2 सेक्शन वन के फुल पीडीएफ दोगे? नो 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 विकास, जो पेपर 2 सेक्शन 1 है, सेक्शन A है, जो उसमें पीपीटी वाली पीडीएफ्स हैं उसमें सब कुछ है, उसमें एवरीथिंग इज देयर, देर इज नो नीड टू गिव सेपरेटली एनी अदर थिंग। ठीक है, जैसे पेपर 1 सेक्शन A में मैंने आपको अलग से फुल पीडीएफ दी थी तो वो अलग ही था। ठीक है, पेपर 2 सेक्शन A में जो मैंने दिया था वो पीपीटी फॉर्मेट में है। ठीक है, वहीं पे, और उसके अलावा जैसे कुछ मैंने थ्योरीज की पीडीएफ दी थी लिबरलिज्म की और उन सब की, उसके बाद जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, की कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लास में डिक्टेट कराए हैं, डिक्टेट कराए हैं वो फॉलो करना है। इसके अलावा इसकी पीडीएफ्स भी हैं, वो मैं अपलोड करनी बाकी हैं, अपलोड नहीं हुई हैं, वो मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, 2 ही लेक्चर के पीडीएफ हैं। हाँ, उसमें उन 2 लेक्चर्स में ना सब कुछ है विकास, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 लिखा होगा, लेकिन उसमें पूरा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, सोशल मूवमेंट्स और सब कुछ उसी के अंदर है। उसके अलावा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की और कोई पीडीएफ नहीं चाहिए। दैट इज इनफ, दैट इज सफिशेंट, उतना सफिशेंट है। बाकी उसके आगे की थ्योरीज की पीडीएफ रहेंगी, ठीक है, वो मैं अभी थोड़ा
थोड़ी देर में कर दूंगी अपलोड। फिर आएगा की कॉन्सेप्ट्स की। की कॉन्सेप्ट मैंने डिक्टेट किया है, लेकिन साथ ही साथ कुछ पीडीएफ भी रहेंगी इसमें, तो वो पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगी आपकी, ठीक है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पीडीएफ रहेंगी एडिशनल मटेरियल की, वो दैट विल डू। लेकिन रिलाई करना है आपको जो मैंने क्लास में डिक्टेट किया है उस पर। ओके, सो आज का हमारा लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। दिस इज इट फॉर टुडे। इंडिया यूएस और इंडिया रशिया के रिलेशनशिप की जो पीडीएफ्स हैं, आई बी शेयरिंग इट बाय यू नो दिसंबर के जो फर्स्ट वीक है, उसमें सभी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अभी आगे होगी हमारी। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस दिसंबर में हम करना शुरू करेंगे फर्दर, ठीक है। विल कॉन्टिन्यू विद दैट। सो दिस इज इट फॉर टुडे। ऐसे राइटिंग अभी नहीं हो पाएगी, ऐसे राइटिंग आगे देखेंगे, या तो ऐसे राइटिंग जिनमें हम प्री हो जाएगा उसके बाद देखेंगे अगले साल, ठीक है, या फिर देखते हैं अगले मंथ। इफ आई वॉन्ट टू गो फॉर ऐसे राइटिंग, तो ऐसे राइटिंग भी देख लेंगे, नो इश्यूज। एक घंटा तो आई थिंक आई कैन टेक फॉर ऐसे राइटिंग, एटलीस्ट वीक में आई थिंक अबाउट इट। हाँ, आंसर राइटिंग हम काम करना शुरू करेंगे जिनमें यू हैव टू बी वेरी एक्टिव इन द अदर पार्ट टू के सेशन होते हैं ना, उसमें भी आंसर राइटिंग के मैंने 2-3 रखी है। ओके, दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। वी विल कॉन्टिन्यू एट 6:30, ठीक है। हमारी दोबारा से क्लास है, उसमें कॉन्टिन्यू करेंगे फर्दर। अम्बेडकर आज कवर हो जाएगा जिनमें। लास्ट क्लास में हमने अम्बेडकर शुरू किया है। एम एन रॉय हो चुका है जिनमें, जस्टिस हो चुका है, इक्वालिटी हो चुका है। अच्छा विकास, आप जो भी फॉलो कर रहे हो ना, 50 लेक्चर्स आप देख चुके हो, उसके अलावा जस्टिस का आपने देखा होगा, है ना, जस्टिस और इक्वालिटी उसमें नहीं है। तो इसी कोर्स में नहीं, एक और है, इसी कोर्स का पार्ट टू है, क्योंकि वो पढ़ा रही थी तो उसमें सब ऊपर नीचे जंबल हो रहा था, ठीक है। इसी वजह से मैंने अलग से इसी का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन PSIR ऑप्शनल इन हिंदी, उसी का पार्ट टू है। पार्ट टू में मैंने ह्यूमन राइट्स, जस्टिस, इक्वालिटी ये टॉपिक्स पढ़ाए हैं, वहाँ से फिनिश कर लेना, एंड एम एन रॉय, अम्बेडकर ये भी। ओके, दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच। नहीं, इंग्लिश वाला कोर्स नहीं है, हिंदी में है, वो भी हिंदी का है, पार्ट टू। थैंक यू वेरी मच।